बहुत बहुत स्वागत है आप सबका नक्षत्र बेज राशि फल में। और आज का ये प्रेडिक्शन है टॉरस यानी कि वृष राशि के लिए, करंट मंथ जनवरी 2024 कैसा फल देने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो ये प्रेडिक्शन है, अभी आज तारीख 19 है, 19 से लेकर 31 तक का ये प्रेडिक्शन रहेगा, क्योंकि प्रेडिक्शन में हम लेट हो चुके हैं। लेकिन फिर भी ये इतने भी दिन हैं, 11 दिन जो भी है, 20 से लेकर 31 तक, ये कैसा फल देने वाले हैं आप सबको, वृष राशि वाले को जानते हैं। तो मंगल शुक्र और बुध का कॉम्बिनेशन 8वें स्थान के अंदर है। हम जो बुध है 8वें स्थान के अंदर है, शुक्र आपके राशि के अधिपति होकर अष्टम स्थान में है, और मंगल सप्तम स्थान के मालिक होकर अष्टम स्थान में है। तो कहीं ना कहीं जो ये ट्रांजिट है, थोड़ा सा अग्रेसिव कम्युनिकेशन करवाने वाली है। और ये अग्रेसिव कम्युनिकेशन किसके साथ होगा? अपने परिवार के साथ, या तो जो भी जातक विवाहित है, इनको अपने इन लॉस के साथ रिलेशनशिप में ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो उसका केयर करना होगा। हालांकि यू आर ब्लेस्ड विद जुपिटर एस्पेक्ट्स इन द 8th हाउस, गुरु की दृष्टि है 8वें स्थान के अंदर। सूर्य भाग्य स्थान के अंदर चल रहे हैं, अभी उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है आज जब ये प्रेडिक्शन कर रहे हैं 19 जनवरी को, लेकिन सूर्य नक्षत्र बदलेंगे 24 तारीख को रात को 10:30 बजे इंडिया टाइम पर, और सूर्य चलेंगे रोहिणी नक्षत्र में। तो अभी का जो ट्रानिट है उत्तराषाढ़ा का, ये क्या फल देने वाला है? बॉर्न हुअर बॉर्न इन कृतिका, ये जातकों के लिए ठीक है, जन्म नक्षत्र में है। रोहिणी के लिए अति मित्र नक्षत्र है, लेकिन अति मित्र कैसा मित्र है कि आपका शत्रु है, क्योंकि सर्प योनि है। रोहिणी नक्षत्र में जो भी जातक जन्म है, इनका योनि सर्प योनि है, और जो गोचर ट्रानिट में सूर्य चल रहा है उत्तराषाढ़ा में, ये नकुल योनि में है। नकुल माने नेवला, जो आपका कट्टर शत्रु है। तो कट्टर शत्रु कभी अच्छा मित्र नहीं बन सकता है, ये आप भली भांति जानते हैं। और कहीं ना कहीं आपको अपने जो खास दिखने वाले फ्रेंड्स हैं उनके साथ रिलेशन में केयर करना होगा, अन्यथा आपको वो डैमेज कर सकते हैं। तो शुड बी टेक केयर हु आर बॉर्न इन सूर्य रोहिणी या चंद्र रोहिणी, ये दोनों जातकों को सबसे ज़्यादा केयरफुल रहना है। और पारिवारिक संबंधों में तो वाणी में तो संयम बरतना ही है, क्योंकि जो बुध है ये 8वें स्थान में है। लाइफ का कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन फाइनेंस के रिगार्डिंग जल्दबाजी में नहीं लेना है, पारिवारिक मामलों को लेकर या फाइनेंशियल मैटर को लेकर, क्योंकि बुध आपके 8वें स्थान के अंदर है। तो 24 तारीख को रात को 10:30 बजे बदलने वाले जो रोहिणी नक्षत्र में सूर्य है, ये पर्टिकुलरली हु आर बॉर्न इन वृष राशि में कृतिका नक्षत्र में जिनका जन्म है, ये जातकों के लिए एक्सीलेंट फल देने वाले होंगे। रोहिणी के लिए जो सूर्य है ये श्रवणा नक्षत्र में, ये जन्म तारा में होंगे। मृगशिरा के लिए अति मित्र नक्षत्र में होंगे, लेकिन रोहिणी कृतिका वाले जातकों के लिए भी संपत नक्षत्र जरूर है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा योनि दोष बनता है। और योनि का जो इम्पैक्ट है वो जबरदस्त इम्पैक्ट है, क्योंकि कृतिका नक्षत्र में जो भी जातक का जन्म है, इनकी योनि मेष योनि है। मेष बोले तो भेड़। और जो गोचर ट्रांजिट में सूर्य श्रवणा नक्षत्र में चलने वाले हैं, ये वानर योनि में चलने वाले हैं। वानर बोले तो बंदर, भेड़ जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जाने वाला है, और बंदर सामने भी जाना है तो पहले इधर कूदेगा, इधर कूदेगा, फिर उधर कूदेगा। तो इस प्रकार से जो उसका मेंटल जो लेवल है, ये उठपटांग काम करने का है। मतलब उसके कारण क्या होता है कि वो खुद भी तकलीफ में आते हैं और दूसरे को भी ये हर्डल्स में डाल देते हैं। तो श्रवणा में 50% फल मिलेगा, 100% फल नहीं मिलेगा कृतिका को। और भाग्य स्थान में है सूर्य, तो भाग्य तो आपका चमकने वाला है। कोई भी साल के अंदर 15 मई से लेकर 14 जून के बीच में आपका जन्म हुआ है, तो भी ये प्रेडिक्शन आपको असर करने वाला है। और
यदि आपके जन्म के सूर्य चंद्र दोनों साथ में हैं तो इस प्रेडिक्शन का सबसे ज़्यादा असर होने वाला है। चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपने बहुत कुछ मिस किया है और कर सकते हैं या करने वाले हैं। नमस्कार।